नमस्कार, आज हम बनाएंगे कॉफ़ी वॉलनट मॉक केक, और वो भी सिर्फ 2 मिनट में। आप पहली बार देख रहे हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरा नया अपलोड है आप सबसे पहले देख सके। ये देखिए, मैं दूध में 2 पैकेट कॉफ़ी मिला लिया है गर्म दूध में, और हम लेंगे 2 मग। इसमें हाफ हाफ मग हम डाल देंगे कॉफ़ी, या फिर 4 से 5 टेबलस्पून आपको लेना है कॉफ़ी दूध में मिला हुआ। अभी हमें डालना है इसमें सनफ्लावर ऑयल। आप चाहे तो बटर ले सकते हैं या फिर रिफाइंड सोयाबीन ऑयल भी ले सकते हैं। 2-2 टेबलस्पून हमें लेना है ऑयल। अभी हम इसमें डालेंगे पाउडर शुगर 2-2 चम्मच, 2-2 टेबलस्पून। अभी हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। देखिए, 1-1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, और इसमें 1/2 टीस्पून जो है बेकिंग सोडा लेना है, और इसमें हम डालेंगे 3 से 4 बूंद वनीला एसेंस। देखिए, वनीला एसेंस ले रही हूँ मैं। हम 1-1 जग में 3 से 4 बूंद डालना है, और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे मैदा या फिर ऑल पर्पज फ्लोर। ये देखिए, 3 से 4 टेबलस्पून आपको लेना है 1-1 जग में। और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मैं 5 टेबलस्पून ले रही हूँ मैदा, और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, 5 टेबलस्पून मैदा। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से बैटर बनाना है आपको। अगर आपका बैटर थोड़ा गाढ़ा है तो थोड़ा सा और दूध में जो मिला हुआ कॉफ़ी है थोड़ा सा कॉफ़ी डाल लीजिए, और अच्छी तरह से आपको इस तरीके से घोल बनाना है आपको। ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, क्योंकि मोटा रखेंगे तो केक जो है फ्लॉपी नहीं बनेगा, हार्ड हो जाएगा। सारी चीज़ मिक्स होने तक अच्छी तरह से फेंटना है आपको। अभी देखिए, मिक्स हो चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे क्रश्ड वॉलनट या अखरोट। मैंने 8 से 10 अखरोट को क्रश कर लिया था, और इसमें 2 जग में डाल देंगे, और इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, वॉलनट को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, और आपको माइक्रोवेवन में 2 मिनट के लिए 850 डिग्री सेल्सियस में 2 मिनट के लिए आपको बेक करना है या फिर कुक करना है। अभी देखिए, 2 मिनट हो चुका है, और हमारा केक जो है फूल के तैयार हो गया है। अभी बन गया है, हमारा केक रेडी है। अभी देखिए, मैं एक चाकू या छुरी डाल के मैं दिखा रही हूँ आपको कि ये अंदर से पका है कि नहीं। ये देखिए, अंदर से ये पक गया है, मतलब हमारा छुरी जो है साफ निकल रहा है,
इसका मतलब है अच्छी तरह से हमारा केक जो है अंदर से भी पक चुका है। इसके ऊपर से हम चॉकलेट सिरप से डेकोरेट करेंगे। ये देखिए दोनों जो मॉक केक है उसके ऊपर से मैं चॉकलेट सिरप डाल रही हूँ और थोड़ा सा इसके ऊपर से हम क्रस्ट जो वालनट है अखरोट है क्रस्ट वालनट को डाल देंगे और डेकोरेट कर लेंगे। और अभी आप खा सकते हैं स्नैक्स की तरह किसी भी तरह। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।